तो गाइस नागपुर के किसी मोमोज प्लेस पर आपने कितने टाइप के मोमोज खाए होंगे, दो चार या पांच। लेकिन मैं आज आपको जहाँ लेकर के आया वहाँ आज हम ट्राई करने हैं 9 अलग अलग टाइप के मोमोज, स्पाइसी से लेकर के तो चॉकलेटी हर एक टाइप देखेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आपको VCA में लेकर के आया हूँ मिकी मोमोज में, केक लिंक के बाजू में लोकेटेड है। तो लेके चलता हूं, आपको दिखाता हूं भाई किस तरीके से बनता है। वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, मजा आ जाएगा। तो भाई ये जो सबसे पहले हमारे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं अपने पनीर वाले फायर मोमोज, एक हाफ लगवा रहा हूँ। इसके अंदर आने वाले भाई साहब 5 पीसेस, और भाई देखना है पूरा का पूरा प्रोसेस। ये देख लो भाई, इसके अंदर विनेगर डाल के और भाई साहब जो आग लगा रही है ना, और यही नहीं अभी और देखिए ये इसमें सॉस डाल देंगे। ओ भाई साहब वाह, अरे वाह, देखिए कभी फायर मोमोज अगर देखे तो भाई ज़रूर से बताना। अपने यहाँ पर फायर मोमोज तैयार है, ये देख लो भाई ये, और ये इसकी प्लेटिंग यहाँ पर मैंने हाफ लगवाया, तो इसके अंदर आ जाएंगे 5 पीसेस। कितने ही जबरदस्त अगर जो फ्रेग्रेंस आ रही है ना, जबरदस्त भाई। ये ऊपर से आ गया थोड़ा सा बटर, और ऊपर से आ गया धनिया। आप अपन लगवाने वाले अपने मखनी मोमोज, ये देख लो भाई मखनी की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर आ गया फ्राइड वाले मोमोज, पनीर में ही लगवा रहा हूँ ये। देख लो भाई 4 पीस आ चुके इसके हाफ में, इसकी ग्रेवी का टेक्स्चर देख लो कितना ही जबरदस्त टेक्स्चर है, इसका जो लग रही है ना भाई, ये वाह भाई, ये कर रहे हैं भाई इसको सर्व। मैंने इसके भी एक हाफ लाया, जितने भी आपको मोमोज दिखाऊंगा ना सबके हाफ हाफ दिखाऊंगा। और भाई ये देख लो इसके अंदर आ जाते हैं 4 पीस, और इसकी ग्रेवी देख लो, कलर देख लो, और इतनी भी इसकी कंसिस्टेंसी इतनी बढ़िया लग रही है ना। ये देख लो इसके ऊपर आ गई भाई साहब अमूल की क्रीम। ये अभी इसके ऊपर आ गया थोड़ा सा धनिया, भाई कितने लाजवाब टेस्ट करते हैं भाई, मेरा तो ये फेवरेट है। तो भी आप अपने आकर लग रहे हैं तवा वाले मोमोज, जो कि मैंने लगवाए 30 कॉल में मैंने हाफ लगवा लिया। इसके अंदर आते हैं 5 पीसेस, ये देख लो भाई ये अपने तैयार है, और ये अभी सर्व हो रहे हैं भाई साहब। कलर देख लो, और मैं सही बता रहा हूँ इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, काश यूट्यूब और इंस्टाग्राम आपको ऐसा फीचर दे रहे कि आपको इसकी फ्रेग्रेंस आ जाए, भाई साहब जबरदस्त लग रही है। 5 पीसेज यहाँ पर मेरे तैयार है, और अब जो है इसके ऊपर जाने वाला है भाई बटर। ये देख लो भाई बटर डाल दिया इसके ऊपर थोड़ा सा, फाइनली इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया। अब अपन करते हैं इसकी टेस्टिंग। भाई ये जो है मेरे सामने मोमोज की प्लेट लग चुकी है, और अब सबसे पहले ना आपको दिखाता हूँ, ये है हमारे सामने चीज़ कॉर्न वाले स्टीम्ड मोमोज। देख सकते हो भाई कितना ही अच्छे तरीके से चीज़ वगैरह ना, चीज़ और कॉर्न कितना अच्छे तरीके से मिल चुकी है। अब ना हम ट्राई करते हैं, ये है इनकी स्पेशल वाली चटनी ये वाली, और ये है इनकी शेजवान चटनी। तो ये कर दिया भाई चटनी के अंदर डिप भाई साहब, के साथ में जो चटनी का जो फ्लेवर मिक्स हुआ है ना, थोड़ा सा क्रीमी थोड़ा सा स्पाइसी, मुझे इस चीज़ का टेस्ट भाई बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अगर आप देखें तो ये वाले इनके हैं तवा फ्राई वाले मोमोज, जिनके ऊपर ना थोड़ी सी ग्रेवी भी डाल रखी है इन्होंने, ये भी चीज़ कॉर्न के अंदर बनाए हुए। देख सकते हो भाई चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से पोर हो गया था। अब इसको ट्राई करता हूं मैं अपनी दूसरी सॉस के साथ में, ये देख रहे थोड़ा सा दिखाता हूं भाई। अगर आपको स्पाइसी पसंद है ना, ये कलर देखो मुझे नाम नहीं पता, बट ये वाली चटनी ना जरूर से ट्राई करना। और मैं बताऊँ ये जो मोमोज है ना, ये चीज़ कॉर्न मोमोज ही, बट उसके ऊपर जो उन्होंने ग्रेवी डाल रखी है ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया उसका। इसके बाद में ये वाले इनके फायर वाले मोमोज, अंगारा मोमोज। तो ये देखते हैं भाई ये किस तरीके से रहते, ऊपर से ना भाई बटर डाल रखा है, ये बना है भाई पनीर के अंदर। इसमें करते ये करते थोड़ा सा रेवनी से डे, और अब करते इसको ऊपर से जो इन्होंने बटर डाला हुआ है ना, बटर की वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हुआ है। अंदर पनीर की स्टफिंग है, पनीर की स्टफिंग जो है ना अच्छे तरीके से पकी है, वरना मोमोज जो फ्राइड वाले रहते हैं ना वो अंदर से अच्छे तरीके से नहीं पकते, ये पैन फ्राइड है भाई। अब आगे आ चुका है हमारा लास्ट वाला, ये है दार्जिलिंग मोमोज। ये करते हैं भाई ओपन, अरे वाह भाई साहब स्टफिंग देख लो कितनी ज़्यादा स्टफिंग करी है। आई विल प्रेफर बिग वन, ये ले लिया, इसमें थोड़ा सा लगाता हूँ मेयोनीज बिल्कुल, और अब करते हैं भाई इसको। भाई सच बताऊँ स्वाद आ गया, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, जितने अच्छे भाई ये मुझे ये वाले मोमोज लगे ना, फायर वाले मोमोज भाई ये तो मतलब इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, मुझे इस चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। इसके बाद में अपन और एक दो तरीके का मोमोज ट्राई करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि उसका टेस्ट कैसा है भाई। स्पाइसी वाली चटनी के साथ ना जरूर से ट्राई करना। यहाँ पर ना हमारे कुरकुरे मोमोज और मखनी मोमोज यहाँ पर बनकर के तैयार है। सबसे पहले ना ये अपन लेते हैं कुरकुरे मोमोज,
भाई साहब कितने क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं। ये है पनीर वाले, ये डिप करते हैं भाई थोड़ा सा मेयोनीज के साथ में। क्रिस्प लेवल इन फाइनली बहुत ही बढ़िया, जिसमें क्रिस्प आया था मुंह में भाई बहुत ज्यादा भूल चुका है। एंड आई एम डेफिनेटली लव विद दिस मोमोस, बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगा। 10 out of 10 मतलब क्रिस्पीनेस में भाई अल्टीमेट, कोई कंपटीशन नहीं है, अल्टीमेट है। तो भाई ये थे हमारे कुरकुरे मोमोस। तो भाई कुरकुरे मोमोस तो खा के थे भाई, मैंने आपको बताया कितना बढ़िया टेस्ट आया। और यहाँ पर ना सबसे पहले अभी हमारा आ चुके ये है वेज 65 मोमोस। तो मुझे पता नहीं भाई ये नींबू क्यों दे रहे हैं, बट चलो एक बार स्क्वीज करके देखते हैं कि नींबू के साथ में कैसा ही टेस्ट आने वाला है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सी डालूंगा, क्योंकि ना मैं एक्सपेरिमेंट के जैसा कर रहा हूँ। ये ले लिया भाई नींबू स्क्वीज करके, और अब इसके ऊपर डालूंगा। अब लूंगा ये वाले मोमोज का एक बाइट और देखता हूँ कि भाई कैसा आएगा इसका टेस्ट। थोड़ी सी लगा लेते भाई इसके ऊपर ग्रेवी। उठा उठा चम्मच सुधा ये ले लेना। अब मुझे समझा कि उसके साथ नींबू भी दे रहा था 65 के साथ में ना, ऊपर से नींबू। सबसे पहले तो बताऊँ तो कड़ी पत्ते का जो तड़का पड़ा है ना, बहुत ही मतलब अल्टीमेट है वो। और उसके उसके साथ में ऊपर से मैंने नींबू डाला था ना, मुझे तो भाई इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगा। इसके साथ आ चुका हमारा चिली गार्लिक मोमोस। तो भाई ये देख लो एक बार ना, आपको ना पहले क्लोजअप दिखाता हूँ भाई। ये देख लो अच्छे तरीके से जो है ना ग्रेवी में पूरे के पूरे इसको लपटा दिया गया है। मतलब भाई अब और क्या ही बोलूँ, ये देख लो। और इसकी स्टफिंग देख सकते हो भाई, कितनी ही ज़्यादा इसके अंदर स्टफिंग कर रखी थी। ये लगाता हूँ भाई इसके ऊपर थोड़ा सा इनका चिली गार्लिक का जो सॉस है। ये लिया कैप्सिकम और चिली गार्लिक का, ये सिर्फ नाम के लिए चिली गार्लिक नहीं है, गार्लिक का इसका बढ़िया सा अलग सा टेस्ट आ रहा है। और कहीं ना कहीं ना ये वाले मोमोस में थोड़ी सी मिठास है, जो भी स्पाइसीनेस और मिठास को ना जो मिक्स वाला जो फ्लेवर आना बहुत बढ़िया लगा भाई। फाइनली बारी आ चुकी है मेरे फेवरेट मखनी मोमोज की। तो ये देख लो भाई, सबसे पहले ना आपको ये तोड़ के दिखाता हूँ, स्टफिंग दिखाता हूँ भाई। ये देख लो सबसे पहले ना इसके अंदर की स्टफिंग देख लो, और बताऊँ ना ग्रेवी के अंदर से निकाला हुआ है, फिर भी अभी भी जो मोमोज है ना वो बिल्कुल एकदम क्रिस्पी क्रंची है। ये ऊपर से लगा दिया थोड़ी सी ग्रेवी, ये ले लिया भाई। सच बताऊँ स्वाद आ गया, बहुत ही बढ़िया ग्रेवी है। और मैं बता रहा हूँ जो उसको पकाया हुआ है ना, पकाने की वजह से ना जो ग्रेवी है उसका टेक्स्चर बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ऊपर से जो अमूल की क्रीम डाल रही है ना, क्वालिटी भी आपको एक नंबर मिलने वाली है। और क्वांटिटी भाई आप इतने में और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। तो ये था भाई हमारे पूरे के पूरे मोमोज से, ये इसमें ग्रेवी वाले मोमोज हमने कवर किए, हमने कुरकुरे वाले मोमोज को कवर कर लिए। लेकिन भाई अगर मीठा नहीं खाया तो क्या खाया भाई, इसके बाद अपन मिठाई मीठे वाले मोमोज अपन ट्राई करेंगे। चॉकलेट वाले मोमोज कभी सुना है? अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स जरूर से बताना, इसके बाद अपन देखते हैं कि चॉकलेट मोमोज कैसे। मैं तब तक के भाई है मेरे जो फेवरेट मखनी मोमोज है भाई, मैं इसे खाता हूँ। तो भाई यहाँ पर ना हमारे चॉकलेट वाले मोमोज भी यहाँ पर बन करके तैयार हो रखे हैं। ये देख लो भाई, अभी इसको ना तोड़ के दिखाता हूँ। स्टफिंग देख सकते हो भाई चॉकलेट के अंदर जो कर रखी थी ना, ये हुआ है भाई एकदम बढ़िया सा। ये देख लो भाई, मतलब मेरे को ना बस मैं देख ही रहा हूँ कि स्टफिंग किस तरीके से बाहर आ रही है, बहुत ही बढ़िया एकदम। ये देख लो भाई, अब लेता हूँ भाई इसके एक बाइट और आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये देख लो, ये थोड़ी सी इसमें लगाता हूँ चॉकलेट सॉस। थोड़ा सा च्यूवी है अंदर जो, ये चीज़ होनी अगर आपको खाना है ना, अगर सही में खाना है आपको इसका सही में स्वाद लेना है ना, आपको ये चीज़ ज़रूर से करनी पड़ेगी। अंदर जो टेस्ट आया हुआ है ना, जो उसके अंदर जो फिलिंग करी हुई है थोड़ी सी ब्राउनी जैसी लग रही है, जबकि वो ब्राउनी नहीं है भैया ने बताया, थोड़ी सी फजी वाली फीलिंग है। और बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगा मुझे यहाँ पे। मैंने जितने मोमोज ट्राई किया, मैं बताऊँ मेरा फेवरेट मखनी मोमोज भाई, उससे दिल लूट लिया। उसके बाद में कुरकुरे मोमोज भी बहुत बढ़िया, मैं पार्सल भी जरूर से करा के लेके जाऊँगा। और भाई मीठे में ये जो चॉकलेट वाले मोमोज खाए हैं जरूर से आपको ट्राई करने पड़ेंगे। कहाँ पर? विकी मोमोज जो कि लोकेट है DCA के सामने, अभी आपके स्क्रीन के सामने लोकेशन, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लोकेशन आ चुका है स्क्रीन में, टाइमिंग वगैरह सब कुछ अभी आपके सामने है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर नया तो फॉलो, और अगर आप यूट्यूब पर देख लो तो सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए भाई एंजॉय करो।